मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसे ही अपने स्वयं का घर में एक बहुत अच्छी औषध है, मेथी का दाना। मेथी दाना देखा है? ये घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, संधिवात, संधिवात की सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना। इसको रात में पानी में डालना, एक चम्मच एक गिलास पानी में, सुबह सुबह उठकर मेथी का दाना खाना चबाकर, पीछे से पानी पिएंगे तो 1.5-2 महीने में सारा संधिवात खत्म हो जाता है। और इसी मेथी के दाने से डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, 3 महीने खाना पड़ता है। इसी मेथी के दाने से सिर में चक्कर आना बंद हो जाते हैं। इसी मेथी के दाने से माइग्रेन नाम की बीमारी ठीक हो जाती है, आधे सिर का दर्द। और ये मेथी का दाना हमारी आई के लिए बहुत उपयोगी है। जब हमारी आई की उम्र 45 वर्ष होती है तो मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन उस समय आई को होते हैं, उस समय मेथी का दाना सभी आई को बहुत अच्छा काम आता है। और ये मेथी के दाने का आप उपयोग करना चाहें तो रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं, रक्त की बीमारी माने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब मेथी दाने से ठीक होता है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है चूना। पान में जो चूना लगा के खाते हैं ना, ये एक चूना 48 बीमारियों में औषध का काम करता है। एक बहुत खराब बीमारी आती है, उसका नाम है पीलिया, अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस, मराठी में शायद कहते हैं कावड़। कावड़ समझते हैं, आंखें पीली हो जाती, उसकी औषध है चूना। क्या करने का है, उसके रस में चूना मिला के पिलाओ, जिसको भी काबिल हुआ 7 ही दिन में काबिल ठीक हो जाए। कितना पिलाएं, 1 ग्राम चूना और 1 गिलास उसका रस। इसी चूने से और एक रोग ठीक होता है, आंखों में अगर मोतियाबिंद आ गया कैटरेक्ट, तो ऑपरेशन बिना कैटरेक्ट ठीक करना है तो चूने से ही ठीक होता है। चूना खाना है दही में मिला के या ताक में मिला के। इसी चूने से और एक रोग ठीक होता है, अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऊंच नहीं बढ़ता, कई ऐसे बच्चे होते हैं, उनको बोलो कि दही या ताक में चूना खाओ, ऊंच बढ़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जिनका लंबाई अच्छा है लेकिन बुद्धि कमजोर है, ब्रेन कम है, उनको चूना खिलाओ, ब्रेन बहुत अच्छा होता है। आप में से बहुत सारी बहनें हैं जिनको अक्सर एक बीमारी है, बाल टूट रहे हैं, आप चूना खाना शुरू कर दो, बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको नाखून में कोई तकलीफ आ रही है, चूना खाओ, नाखून अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको शरीर में चुस्ती फुर्ती, भूख कम लग रही है, चूना खाओ, भूख अच्छी लगेगी। मैंने इस चूने का प्रयोग करके 48 बीमारियों को ठीक किया है और पिछले 6 साल में हजारों रोगियों को ठीक किया फोकट में, बिना एक पैसे खर्चे के। तो मैं सबको बोलता हूँ चूना।